हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो एमोट्स होते हैं उनको अनलॉक करने के लिए या तो हमें पे करना पड़ता है या फिर हमें जो अचीवमेंट्स हैं उनको अनलॉक करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो फ्री फायर एमोट्स हैं वो आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ और आप लोग उन एमोट्स को अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। तो यार चलो मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1K के काफ़ी करीब हैं। तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवाओ ताकि मैं जल्दी से जो गिव अवे है उसको लाइव कर सकूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं एमोट भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से एमोट इसमें मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, ये पहला एमोट है, एमोट लोल वाला। अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आप लोगों को पता है कि ये एमोट उसके अंदर है और आप देख सकते हैं ये है डेंजरस गेम वाला एमोट। ये है सूट डांस वाला एमोट, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि सूट करने के बाद में ये डांस किया जाता है। तो फ्री फायर का तो अब मुझे पता नहीं कि आप लोग खेलते हो या नहीं खेलते हो, लेकिन जो खेलता है उन्हें पता है कि ये सब एमोट जो है वो फ्री फायर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो एमोट है आप लोगों को कैसे डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर अगर आप लोग अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप लोग मेरे को इंस्टा के ऊपर भी DM करके मांग सकते हो। बाकी आप लोगों को वहाँ पे वो जो डाउनलोड लिंक है वो मिल जाएगी, आप सीधा उससे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद का प्रोसेस चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे ही अब आप लोगों की वो एमोट वाली जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जेड आर्चीवर ऐप ओपन करना है, उसके अंदर डाउनलोड वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करना है, उसके अंदर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो नीचे की साइड आपको यहाँ पे आके देखना है कि एक FF इमोट नाम से एक फाइल मिलेगी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे, तो आपको पासवर्ड क्या डालना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको सेम पासवर्ड डालना है, तो ये वाला जो पासवर्ड आप लोगों को डाल देना है, आप लोग ठीक से देख सकते हो कि क्या पासवर्ड डालना है। तो ये वाला जो पासवर्ड आप लोगों को वहाँ पे डाल देना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको ऊपर की साइड आना है और यहाँ पे ये FF इमोट वाला जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर जो FF इमोट B वाली जो फाइल है इसको यहाँ से कट कर लेना है। कट करके आप लोगों को डिवाइस मेमोरी में जाना है, गेम्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर उसके अंदर जाना है, com.mojang में जाना है और बिहेवियर पैक वाला जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। मैंने पहले भी पेस्ट कर रखी है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर आप लोगों को दोबारा से डाउनलोड वाले में जाना है, दोबारा से नीचे आना है और इस फोल्डर को ओपन करके जो रिसोर्स पैक वाली जो फाइल है इसको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से आके दोबारा से डिवाइस मेमोरी में जाके गेम्स के अंदर जाना है, com.mojang में जाना है और यहाँ पे जो रिसोर्स पैक वाली जो फाइल है इसके अंदर आके उसको कॉपी कर देना है। मैंने पहले से कर रखी है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इतना काम हो जाने के बाद में आपको सब कुछ क्लोज कर देना है और जो अपना माइनक्राफ्ट है उसको भी दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोगों का जो माइनक्राफ्ट है वो ओपन हो जाए तो आपको अब क्या करना है, प्ले के ऊपर क्लिक करना है, जो क्रिएट न्यू वर्ल्ड नाम से आएगा इसके ऊपर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपको जो गेम मोड है उसको क्रिएटिव के ऊपर सेट कर देना है। आप ये जो एमोट है सर्वाइवल में भी ले सकते हो लेकिन मैं क्रिएटिव में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से क्रिएटिव करने के बाद में आप लोगों को नीचे की साइड आना है और जो एक्टिवेट चीट है उसको ऑन रखना है, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिवेट चीट ऑन नहीं रखोगे तो आपके जो एमोट है काम नहीं करेंगे। तो इतना हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, रिसोर्स पैक में आना है, यहाँ पर माई पैक्स में आना है और जो ये फ्री फायर एमोट वाला है इसके ऊपर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेम बिहेवियर पैक में आना है, यहाँ पर भी आपको जो एड ऑन वाला जो दिख रहा है फ्री फायर एमोट वाला इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करते ही आप लोगों को जो क्रिएट वर्ल्ड है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये जो आपका वर्ल्ड है वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप लोगों का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ऊपर वाला जो मैसेज वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक कमांड डालनी है, /फंक्शन स्पेस एमोट। तो ये वाली जो कमांड है आप लोगों को डाल देनी है और इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप लोग ये कमांड एक्टिवेट कर देंगे तो आप लोगों के पास में देखिए तो आपके पास में जो एमोट है वो आ गए हैं। तो ये देखिए, वो जितने भी एमोट मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो आप लोगों को यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर आपके भी मिल जाएंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो इसलिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल के ऊपर सेट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।